ये बिल्कुल एक संभावना है कि कोई अपना रूप बदल सकता है अगर वो चाहे तो। और आज भी ये घटना कई लोगों के द्वारा देखी जाती है, विशेष रूप से हनुमान भक्तों में। तंत्र विज्ञान के कई पहलू हैं, एक वेद इसके लिए समर्पित है। बचपन से ही मैंने हनुमान के बारे में सुना है। किस बारे में? हनुमान। हनुमान मैंने ऐसा सुना है कि हनुमान जब चाहे विशाल रूप धारण कर लेते थे, वो उड़ा करते थे, वो बहुत छोटे भी बन जाते थे, जैसे वो अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेते थे। क्या ये सच था या केवल कोई कल्पना थी या कोई प्रतीक या वैसा कुछ था? धन्यवाद। अब किसी व्यक्ति का छोटा या बड़ा होना या उड़ना या कुछ और करना, क्या ऐसी संभावना है? संभावना बिल्कुल है, ये हकीकत है। ऐसा इस देश में, इस संस्कृति में काफी प्रचलित था, लेकिन इसे अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन कहीं और इसे अच्छा माना जाता था, खासकर मूल अमेरिकी संस्कृतियों में। वहां शेमनिज्म यानी ओझा धर्म की एक पूरी परंपरा मौजूद है, जहां ये आज भी वहां ये बातें आम हैं कि कैसे एक मूल अमेरिकी ओझा एक चील बन जाता है, एक मक्खी बन जाता है, एक भेड़िया बन जाता है, खुद को किसी दूसरे रूप में बदल लेता है और वहां चला जाता है और ये सब। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये बिल्कुल एक संभावना है कि कोई अपना रूप बदल सकता है अगर वो चाहे तो। ध्यान लिंग में एक पैनल है जहां किसी ने खुद को एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया था जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मायने रखता था। क्या आपने देखा है? आपको पता नहीं था? तो लोगों का अपनी सुविधा के अनुसार वो जैसा चाहे वैसा रूप ले लेना, ये कोई नई बात नहीं है या ये कोई अनसुनी बात नहीं है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में ये मौजूद है। इन दिनों खासकर इसका एक बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है, उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी ओझाओं के बारे में। ओझाओं का चील बन जाना और भेड़िया बन जाना, ये दो रूप उनके लिए बहुत आम है। यहाँ ये कोई अनसुनी बात नहीं थी, लेकिन हमारी संस्कृति में इसे अच्छा नहीं माना जाता था। वहाँ इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये तंत्र विद्या है। यहाँ हमारे तंत्र वैज्ञानिक, I call them scientists because they are that kind. मैं उन्हें वैज्ञानिक इसीलिए कहता हूँ क्योंकि वे उसी तरह के हैं। वे खुद को पक्षी या जानवर में बदलने की तकलीफ नहीं उठाते क्योंकि इसमें खतरा है। एक सुंदर कहानी है जिसमें उस ऋषि का क्या नाम है जिन्होंने निगल लिया था, क्या आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? अश्विनी कुमार, और वो उनके पास कुछ सीखने गए थे, शुक्लाचार्य। हाँ, क्या उन्होंने घोड़े का रूप ले लिया था? अश्विनी कुमारों ने घोड़े का रूप ले लिया था, और उन्होंने क्या निगल लिया था शुक्लाचार्य को? मेरे ख्याल से तो एक पूरी बड़ी कहानी है जो शायद महाभारत का ही एक हिस्सा है। ये कृष्ण अवतार से जुड़ी कहानी ज्यादा है। तो इतिहास में इस तरह की कई घटनाएं मौजूद हैं, और लेकिन इसे चीजें करने का निचले स्तर का तरीका माना जाता था, क्योंकि जब आप कोई और रूप ले लेते हैं तो इस शरीर को सुरक्षित रखना होता है और इसका हमेशा दुरुपयोग हो सकता है। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां किसी ने अपने शरीर को थोड़ी सुरक्षा के साथ वहां छोड़ दिया, और मान लीजिए वो एक चील बन गए और कुछ समय के लिए उड़ते रहे, लेकिन जब वो चील वापस आई तो शरीर वहां नहीं था। तो अब वो चील क्या करेगी? चील आकर यहां बैठती है और कहती है, मैं एक योगी हूं,
दयनीय स्थिति है ना। क्योंकि आप उड़ नहीं सकते इसलिए आपको लगता है कि चील होना एक बड़ी बात है। चील होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि वो ऊंची उड़ती है पर वो हर समय नीचे देखती रहती है। यहाँ बैठकर ऊपर देखना ज्यादा अच्छा है ऊपर जाकर नीचे देखने के बजाय। वाकई तो यहां तंत्र वैज्ञानिकों ने दूसरी तरह के तरीके विकसित किए, यानी वो खुद कोई दूसरा रूप नहीं लेते, वो दूसरे रूप चुनते हैं और उन्हें ऐसा बना देते हैं कि वो एक खास तरह से काम करे। वो कोई जानवर चुनते हैं, आमतौर पर एक जानवर जिसका बहुत इस्तेमाल होता है वो है मुर्गी। अरे आपको लगता है कि वो बेकार चली गई? तो वे उसके जीवन को, वो मुर्गी जवान और जीवंत होनी चाहिए न कि पकी हुई। तो मुर्गी की जान निकाल दीजिए और उस जीव रूप का उपयोग अपने कुछ काम करवाने के लिए कीजिए, बजाय इसके कि आप मुर्गी का शरीर धारण करें। आप नियंत्रित तरीके से उस मुर्गी से चीजें कराते हैं, रिमोट कंट्रोल मुर्गी, ठीक है? एक रिमोट कंट्रोल मुर्गी खुद आपके मुर्गी बन जाने से बेहतर है ना? क्योंकि आपके मुर्गी बनने में खतरा है। आप अपना शरीर छोड़कर गए, आप एक मुर्गी के रूप में बाहर गए और कुछ करने की कोशिश की और आप किसी की तंदूरी चिकन बन गए। तो उन्होंने उन्हीं चीजों को करने के लिए बेहतर, ज्यादा परिष्कृत तरीके विकसित किए। क्या यह संभव है? क्या हनुमान का छोटा बड़ा बनना संभव है? बिल्कुल संभव है। और आज भी यह घटना कई लोगों के द्वारा देखी जाती है, विशेष रूप से हनुमान भक्तों में। हनुमान के भक्तों के बीच रूप बदल लेना आज भी एक बहुत सामान्य बात है, क्योंकि उन्होंने ये चलन शुरू किया था। हनुमान एक सुपरमैन है, बस थोड़ी सी पूंछ और चेहरे की बनावट के अलावा बाकी पूरे सुपरमैन है। वो एक सुपर सुपरमैन है। उनकी भक्ति ही उनकी शक्ति है। उनके दिल में भक्ति इतनी मजबूत है कि उसकी वजह से वे सबसे अलग चमकते हैं, अपनी सच्ची भक्ति के कारण। तो भले ही आप एक बंदर हों, अगर आप एक भक्त हैं तो आप अपने बंदरपन के परे जा सकते हैं और कुछ असाधारण बन सकते हैं। यही हनुमान की कहानी है। अगर आप एक गधे भी हों तब भी ये काम करता है। तो हाँ, तंत्र विज्ञान के कई पहलू हैं। एक वेद इसके लिए समर्पित है, अथर्ववेद पूरा इसी के बारे में है।